Assalamualaikum dear students, welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 8. I'm Dr. Purvez Ahmed. In this lecture, we will discuss about the properties of the conductor and electrostatic equilibrium. So, आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. Properties, जो lecture का unwan है, वो properties of a conductor and electrostatic equilibrium. ठीक है? कि जब हमारे पास एक conductor हो, और वो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो तो उनकी प्रॉपर्टीज वो क्या क्या होगी. ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. वो क्या क्या है, तो उसको स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट जो हमारे पास है कि व्हेन देयर इज नो नेट मोशन ऑफ द चार्ज विद इन ए कंडक्टर, सो द कंडक्टर इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. वो ये बात है कि कंडक्टर कब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी. तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि एक कंडक्टर, व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ द चार्ज विद इन अ कंडक्टर, कि जब हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस की कोई मोशन ना हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि कंडक्टर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, वी रिमेंबर कि हम क्या कहते हैं कि जब कंडक्टर के अंदर चार्जेस की कोई मोशन ना हो, मतलब या हम कहते हैं कि चार्जेस की जो नेट मोमेंट है वो जीरो हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, और जब कंडक्टर इसी कंडीशंस के अंदर हो कि नेट मोशन जो चार्जेस की है वो जीरो हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर में हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है. ठीक है, और इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि कंडक्टर चाहे एक सॉलिड हो या एक हॉलो सिलेंडर है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मतलब दोनों कंडीशन में हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है. सो इफ द कंडक्टर इज आइसोलेटेड एंड कैरीज अ चार्ज, सो द चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में बाद में हम फिर डिस्कस करेंगे कि इससे हमारे पास वो क्या मुराद है. हम कहते हैं कि अगर कंडक्टर क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है, और वो एक चार्ज कैरी करता हो, सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वो जो चार्ज होगा दैट विल बी ऑन इट्स सरफेस, कि वो चार्ज रिजाइड करेगा वो सरफेस पे ही होगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी that will be equal to sigma divided by epsilon naught. ठीक है, कि हमने कहा था कि अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है और वो चार्ज कैरी करता है, तो वो जो चार्ज है वो सरफेस पे लाई करेगा, और उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब उसी सरफेस के बाहर, तो वो जो चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, वो उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो होगा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. मतलब ये जो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी एक खास पॉइंट पे जो चार्ज कंडक्टर है उसके. ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जो हम कहते हैं कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो सिग्मा है दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, कि कोई पॉइंट हम लेते हैं एक चार्ज कंडक्टर के बाहर, और इस पे हम कहते हैं कि जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट वी डिनोटेड बाय सिग्मा. ठीक है, ऑन एन इररेगुलरली शेप कंडक्टर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट एट द लोकेशंस वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द स्मॉलेस्ट. ठीक है, कि मतलब हमारे पास अगर कंडक्टर क्या है इररेगुलर शेप में है, तो वहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी लोकेशन पे जहाँ पर हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है दैट इज स्मॉलेस्ट. अब जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो पहले केस हमारे पास ये है कि प्रॉपर्टी नंबर वन में हम डिस्कस करते हैं कि इट्स अ कंडीशंस वेयर द फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू जीरो. कंडक्टर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और उसमें हमारे पास जो कंडीशन है कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, कि आपको इस फिगर में दिख भी रहा है कि वी आर कंसीडरिंग ए कंडक्टिंग स्लेव इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है और इसमें हम एक कंडक्टिंग स्लेव को कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारी जो करेक्टरिस्टिक है, जो पॉइंट्स है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम थोड़ा सा यू एक्सप्लेन करेंगे.
कि इफ द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वर नॉट जीरो, अब मतलब है कंडीशन तो है कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, लेकिन अगर हम इज्यूम करें कि फील्ड जो है वो कंडक्टर के कि अगर हम ये कंसिडर करें कि इफ द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वर नॉट जीरो, कि अगर कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है अगर वो जीरो ना होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन वुड एक्सेलरेट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते, वो एक्सेलरेट करते, एक एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करते। मतलब अगर हम कहते हैं कि फील्ड मतलब जो प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फील्ड जीरो है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर फील्ड जीरो ना होता तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स वो इलेक्ट्रॉन क्या करते, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते। और फिर हम कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन वुड नॉट बी एन इक्विलिब्रियम, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में फिर हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में वो क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी अ फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के अंदर वो फील्ड नहीं हो सकता। मतलब प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा इनका हम आसान अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनसाइड द फील्ड के इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज इक्वल टू जीरो, तो उसका हम कंसिक्वेंस लेते हैं कि अगर फील्ड जीरो ना हो, अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो ना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के दौरान, तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट विल स्टार्ट मूव विद एक्सेलरेशन, ठीक है, वो एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा। एंड इन सच अ कंडीशंस वी वुड से दैट के मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट होगा फिर वो नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर्स वो क्या है कि मतलब वो जीरो है या वो नहीं हो सकता, या वो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो बिफोर द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड फ्री इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। फील्ड अप्लाई करने से पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर, वो कंडक्टर्स में हर जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को, तो अंटिल द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फील्ड इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। मतलब जब हम अप्लाइड फील्ड को बाहर से अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसी फील्ड के मुताबिक अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हत्ता कि जो इनके रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक इंटरनल फील्ड वो जनरेट होती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हमारे पास जो इंटरनल फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है एट बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि देयर इज अ नेट फील्ड ऑफ जीरो इनसाइड द कंडक्टर, फिर हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर एक जो नेट फील्ड है वो जीरो बन जाता है। मतलब एक फील्ड हम बाहर से अप्लाई करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक और फील्ड जनरेट होती है दैट वी कॉल इंटरनल फील्ड, और वो जो ये मतलब उससे के साथ ये होता है कि वो जो नेट फील्ड जो मतलब जो इंटरनल फील्ड है दैट बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्सटर्नल फील्ड, तो वो इसके असर को जायल कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो नेट फील्ड है वो क्या है कंडक्टर के अंदर वो जीरो हो जाता है, ठीक है। सो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन अबाउट 10^-16 सेकेंड एंड कैन बी कंसिडर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मतलब जो कंडक्टर के अंदर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो इंतहाई स्मॉल है, कितना स्मॉल है, 10^-16 सेकेंड, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है। जिस तरह के हमने पहले कंडीशन जाहिर की कि इफ द कंडक्टर इज हॉलो सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज आल्सो जीरो, मतलब पहले हम बता चुके हैं कि कंडक्टर चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो उसे दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होगा, वो जीरो होगा।
So either the point in the conductor or the cavity within the conductor can be considered. तो इसमें हम conductors के अंदर क्या है point भी consider कर सकते हैं या cavity within the conductor वो भी consider कर सकते हैं. मतलब ये hollow cylinder की जब हम बात कर रहे हैं तो hollow cylinder में हम कहते हैं कि इसमें हम चाहे point को consider करें या हमें cavity को consider करें inside the hollow conductor, दोनों केसेस में हमारे पास मतलब जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो ही होगी. प्रॉपर्टी नंबर टू कि चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस. मतलब जिस तरह हमने कहा प्रॉपर्टी नंबर टू में है कि चार्ज क्या है कि दे बीन रिजाइड ऑन द सरफेस कि वो सरफेस पे ही रिजाइड करती है. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू चूज अ गॉशियन सरफेस इनसाइड बट क्लोज टू द एक्चुअल सरफेस. ठीक है, इसके लिए हमने गॉशियन सरफेस को चूज करना है. ठीक है, इनसाइड बट क्लोज टू द एक्चुअल सरफेस. ये देखिए ये वाले हमारे पास ये एक्चुअल सरफेस है. ठीक है, अब इस एक्चुअल सरफेस के अंदर हमने गॉशियन सरफेस को ये जो डॉटेड लाइन है इसको ड्रा किया हुआ है. बट बी रिमेंबर इट शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट शुड बी क्लोज टू द एक्चुअल सरफेस. अब ये देखें ये बिल्कुल एक्चुअल सरफेस के मतलब बिल्कुल क्लोज है. ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर वो जीरो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर वन. सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी देयर इज नो नेट फ्लक्स टू द गॉशियन सरफेस. गॉशियन सरफेस के अंदर कोई फ्लक्स नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज द गॉशियन सरफेस कैन बी एज क्लोज टू द एक्चुअल सरफेस एज डिजायर. ठीक है, ये हमने पहले बात की थी गॉशियन सरफेस के अंदर नेट फ्लक्स नहीं है और इसकी रीज़न ये है ये एक्चुअल सरफेस के मतलब इतना करीब होगा जितना के मतलब हम कर सकते हैं. ठीक है, सो देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द सरफेस. सो चार सरफेस के अंदर कोई चार्ज वो नहीं होगा. ठीक है, सेंस नो नेट चार्ज कैन बी इनसाइड द सरफेस एनी नेट चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन द सरफेस. क्योंकि हम कहते हैं कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट चार्ज जो है वो सरफेस पे ही वो कर रहा है रिजाइड कर रहा है. मतलब अगर सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है या नेट चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि नेट चार्ज जो है वो सरफेस पे ही रिजाइड कर रहा है. सो गॉसियन लॉ डज नॉट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्जेस ओनली दैट इट मे बी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, मतलब गॉसियन लॉ की जो इंडिकेशन है मतलब उससे हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मतलब हम नहीं कर सकते. गॉसियन लॉ डज नॉट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्ज. कि चार्जेस की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है गॉसियन लॉ इनको इंडिकेट नहीं कर रहा. सो ओनली दैट इट मस्ट बी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. गॉसियन लॉ सिर्फ ये करता है कि ये भी कंडक्टर के सरफेस पे ही वो होगा. ठीक है, तीसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इट इज दैट के फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मतलब हम कैसे वो करेंगे. सो हेयर जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर कि हमारे पास क्या है कि मतलब एक सरफेस है और सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो द फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सरफेस इज ई ए. यहाँ पर हमने गॉशियन सरफेस को जो एक्चुअल सरफेस है उस पर गॉशियन सरफेस को इमेजिन किया हुआ है ड्रा किया हुआ है. तो हम कहते हैं कि और गॉशियन सरफेस क्या है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है और इसमें हम कहते हैं कि द फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सरफेस इज ई ए. ठीक है, मतलब जिस तरह मैंने पहले बात की कि वी हैव चूजन ए सिलेंडर एज अ गॉशियन सरफेस द फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जिस तरह कि आप लोगों को दिख रहा है कि फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के. सो इफ देयर वर ए पैरेलल कंपोनेंट टू ई charges would experience a force and accelerate along the surface and it would not be an equilibrium. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब अगर यहाँ पर क्या होता अगर अब यहाँ पर parallel component होता. ठीक है, अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि electric field का अगर parallel component होता तो जो charges है वो field वो force को experience करते और वो force उनको surface के along accelerate करते और इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये मतलब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ये होल्ड नहीं करती. मतलब फिर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम वो ना होती. ठीक है, सो इन सच कंडीशंस द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सरफेस इज थ्रू ओनली द प्लेट सरफेस आउटसाइड द कंडक्टर.
तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेट फ्लक्स है गाशियन सरफेस से, वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लेट सरफेस है कंडक्टर के बाहर, और वो उसी से ही मतलब होता, ठीक है। सो द फील्ड हेयर इज, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि फील्ड हेयर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, के फील्ड हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जब आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई ए, व्हिच इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई इन दैट पर्टिकुलर केस, सो इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आप शेल एंड मतलब स्पेयर और शेल का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक द वन यू कैन सी हियर, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, स्पेयर है और शेल है, और इसके एग्जांपल को आप कंसिडर करते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसेप्चुलाइज द सिचुएशन, दैट इज सिमिलर टू द स्पेयर एग्जांपल। नाउ यू हैव अ चार्ज स्पेयर एंड दैट इज सराउंडेड बाय अ शेल, ठीक है, नोट द चार्जेस। आपने मतलब इस तरह की चीज़ों को करना है कि यू हैव टू इमेजिन कि ये हमारे पास क्या है, कि ये जो सिचुएशन है इट इज़ सिमिलर, ये हमारे सिमिलर टू द स्पेयर एग्जांपल, स्पेयर एग्जांपल को बिल्कुल सिमिलर है। और अब आपके पास क्या है, चार्ज स्पेयर है, ठीक है, और इस चार्ज स्पेयर को सराउंड किया है किसने, एक शेल ने, ठीक है, एक शेल ने क्या किया है, वो चार्ज स्पेयर को वो सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नोट द चार्जेस, चार्जेस को नोट करना है, देन यू हैव टू डू द करेक्टराइजेशन, आपने इसको करेक्टराइज करना है। सिस्टम हैज स्फेरिकल सिमेट्री, अब ये जो आप इसको देखते हैं सिस्टम को देखें, तो इसकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है, सो गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाइड, गॉसेस लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यू हैव टू डू द एनालिसिस, यू हैव टू एनालाइज, and as a during the analysis first of all construct a Gaussian sphere between the surface of the solid sphere and the inner surface of the shell, okay, Gaussian surface between the Gaussian surface of the solid sphere and the inner of the surface of the shell. yahan par ye dekhe aapne ek Gaussian surface ko kya karna hai, construct karna hai, that we have and you can see it here by the dotted line, ठीक है। सो दैट इज वी हैव डिनोटेड इट बाय रीजन टू, रीजन टू से हमने इसको जाहिर किया हुआ है, सच दैट अब यहाँ पर देखें ये जो रीजन टू है हमने इसको इस तरह जाहिर किया हुआ है कि रेडियस आर, यहाँ पर देखें दिस सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस हैज रेडियस आर सच दैट देयर रेडियस आर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, एंड स्मॉलर एंड smaller than the radius of the shell, ठीक है। तो इसकी radius जो है ये जो Gaussian surface हम draw कर रहे हैं इसकी radius क्या है, smaller है sphere की radius से, मतलब क्या है इसकी value greater है but smaller है than the radius of the shell, ठीक है। charge inside the surface is क्यों, positive charge क्यों, sphere के अंदर जो charge है वो क्या है, वो क्यों है। So the electric field line must be directed readily outward and be constant and magnitude on the Gaussian surface. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो charge है inside the sphere वो क्या है, वो positive है, it's mean that the field line there would be readily outward, वो readily outward होगी और उसकी जो magnitude होगी वो क्या होगी, वो constant होगी, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईच एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द एरिया फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईच एरिया, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ईच एरिया के लिए, और जो कंडीशंस है अंदर हमने इसको मेंशन किया, फॉर कंडीशन आर स्मॉलर देन ए वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, ठीक है, दैट इज इनसाइड द स्फीयर, ये इनसाइड स्फीयर के लिए है, फिर दिस इज द कंडीशन फॉर आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। फिर ये हमारे पास कंडीशंस है, मतलब जो तीसरी कंडीशन है फॉर एरिया थ्री, दैट इज दिस कंडीशंस हेयर, और हेयर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीसरी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो इतनी है इज इक्वल टू जीरो, फॉर बी स्मॉलर देन आर, आर स्मॉलर देन सी,
और जो चौथी कंडीशन है वहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फॉर आर द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन सी. ठीक है, तो उसके लिए अगेन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वेयर. ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि ई टू और ई फोर वो दोनों सेम है लेकिन हमारे पास क्या है, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ई फोर में वैल्यू हमारे पास वो नेगेटिव है. सो फाइनली यू हैव टू चेक द नेट चार्ज. आपने नेट चार्ज को वो चेक करना है. थिंक अबाउट अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इफ एनी एंड यू हैव टू थिंक विद योरसेल्फ व्हाट इफ द स्पेयर वर कंडक्टिंग इंस्टेड ऑफ इंसुलेटिंग. ठीक है, ये आपने अपने साथ एज्यूम करना है कि एक पॉसिबिलिटी को देखनी है कि अगर जो स्पेयर है वो कंडक्टिंग की बजाय अगर इंसुलेटर होता तो क्या होता. That's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.